दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक फोटो है। इस फोटो को अभी हम पासपोर्ट साइज फोटो में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले इस फोटो को अपने फोटोशॉप में कुछ इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने का दूसरा और तरीका है, यहाँ से आपको फाइल में जाना है, ओपन में क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने लिए जहाँ भी फोल्डर्स हो आप अपना उस फोल्डर में अपने फ़ोटो को ओपन यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा फ़ोटो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, विंडो में जाएंगे और यहाँ से लेयर पैनल को अपना ओपन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इस फोटो को पासपोर्ट साइज में इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के लिए सिंपली आपको टूल्स बार में क्लिक करना है क्रॉप टूल, और उसके बाद यहाँ पर आपको विडिट में आपको 1.2 ले लेना है और हाइट में आपको 1.4 और रेजुलेशन आपको 300 का रखना है। उसके बाद सिंपली आपको इस क्रॉप टूल को इस फोटो के ऊपर चलाना है। चलाने के बाद सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। इस एरिया में आपका फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो बनने वाला है तो इस एरिया में ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और कीबोर्ड के अंदर आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फोटो पासपोर्ट साइज में क्रॉप हो गया है। अब यहाँ पे पीछे के साइड में कुछ दीवार का फोटोज है तो इसका बैकग्राउंड हम चेंज कैसे करेंगे। सिंपली आपको चले जाना है टूल्स बार में और टूल्स बार में आपको पॉलीगनल लेजो टूल का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे दो तीन तरीके का ऑप्शन मिलेगा तो आपको सिंपली पॉलीगनल लेजो टूल ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे फेदर का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे आपको 1 पिक्सल का फेदर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपने फ़ोटो में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इस प्रकार से छोटे छोटे पॉइंट में आपको क्लिक करते जाना है और इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बाहर में लाके इसको एंटर दबाना है और यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है तो कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम फटाफट से इसको इस प्रकार से फ़ोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने बैकग्राउंड को बिल्कुल ही क्लीन कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस बैकग्राउंड को हम हटा करके कोई और बैकग्राउंड अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपको मैजिक वन टूल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से व्हाइट बैकग्राउंड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ नीचे में यहाँ पर देख सकते हो टूल्स बार में व्हाइट कलर है, इस पर आपको क्लिक करके जो भी आपको कलर लेना चाहते हो वो कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद इसको ओके करना है और यहाँ से आपको डिलीट बटन प्रेस करना है तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम इसको व्हाइट कलर ही रखता हूँ। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इस फोटो में बॉर्डर कैसे लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है और एडिट में चले जाना है, स्ट्रोक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 पिक्सल का आपको विडिट यहाँ पे चौड़ाई ले लेना है और कलर आपको ब्लैक लेना है और लोकेशन इनसाइड मोड नॉर्मल और 100% ओपेसिटी रहना है। उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है तो कुछ इस प्रकार से आपका बॉर्डर भी लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इस फोटो को अपने A4 साइज में इसको डिवाइड करना है ताकि हम इसको पासपोर्ट साइज में प्रिंट कर सके। उसके बाद आपको फाइल में चले जाना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको प्रीसेट साइज में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कई सारे साइज आपको दिखेंगे, यहाँ पर आपको नीचे में A4 साइज भी आपको दिखेंगे तो सिंपली आपको A4 साइज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेजुलेशन 300 रखना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका A4 साइज का पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हो गया हमारा A4 साइज का पेपर और यहाँ पर हमारा फोटो। तो कंट्रोल ए करने के बाद आपको कंट्रोल सी करना है और इस A4 पेज में आपको कंट्रोल बी कर देना है, जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे फोटो पेस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको साइड में रखना है और यहाँ पे साइड में रखने के बाद आपको कीबोर्ड में ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है और इस प्रकार से इसको ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपका एक कॉपी बन जाएगा। उसके बाद फिर से आपको ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इस प्रकार से इसको ड्रैग करते जाना है, यहाँ पर आपका फोटो कॉपी पेस्ट होते जाएगा। तो यहाँ पर हमको कुल 6 फोटो यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे हमने 6 फोटो पासपोर्ट साइज का यहाँ पे क्रिएट कर लिया और कुछ इस प्रकार से आपको सभी को यहाँ पे लेयर्स में जाके लिंक कर देना है, ठीक है। 6 पीस को यहाँ पे लिंक कर दिया और कीबोर्ड में एरो की मदद से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको सेंटर कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अभी आप प्रिंट कर सकते हो और यहाँ पर आपको चले जाना है लेयर में और यहाँ से कर देना है मर्ज लिंक
उसके बाद यहाँ पर आपका एक 6 फोटो का एक लिंक हो बन जाएगा। उसके बाद आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे नीचे की ओर, आप इसको ड्रैग कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप पूरे पेज में फोटो को यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, इस प्रकार से कॉपी पेस्ट करके पूरे पेज में जितने भी पासपोर्ट साइज फोटो आएंगे तो फुल पेज में आप कुछ इस प्रकार से पासपोर्ट साइज फोटो को प्रिंट कर सकते हो। अभी हम आपको प्रिंट करने का तरीका भी बताता हूँ। कीबोर्ड में आपको सिंपली कंट्रोल और पी प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको सिंपली पेज सेटअप पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको साइज A4 सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने जो पेपर सेलेक्ट किया था वो A4 था, तो यहाँ पे साइज भी पेपर का हमने A4 भी रखना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से आपको स्केल एंड फिट मीडिया पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपका अपना प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके आप अपना प्रिंटर का क्वालिटी को हाई करके उसके बाद यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर में ये फोटो प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों ये था पासपोर्ट साइज फोटो बनाने का फुल प्रोसेस। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस टाइप का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।